जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज हम आपको पत्थर चट्टा की विशेषता बताएंगे। दरअसल ये पथरी में बहुत ही काम आने वाली औषधि है। लोग पथरी से निजात पाने के लिए सर्जरी तक भी करवाते हैं, लेकिन कई तरीके आयुर्वेद में ऐसे हैं जिसमें बिना सर्जरी के आप पथरी को आसानी से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। पत्थर चट्टा भी उन तरीकों में से एक है। आयुर्वेद में पत्थर चट्टे के पौधे को किडनी स्टोन और प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़े रोगों के इलाज में उपयोगी माना जाता है। इसे पर्णबीज कहते हैं। इसके पत्ते को मिट्टी में गाड़ देने से ये उसी स्थान पर नए पौधे के रूप में उग जाता है। तासीर में सामान्य होने की वजह से इसका प्रयोग किसी भी मौसम में कर सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। पत्थर चट्टा के प्रयोग से पथरी आसानी से बाहर आ जाती है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है जरा देख लीजिए। पत्थर चट्टा के 4-5 पत्तों को एक गिलास पानी में पीसकर सुबह शाम जूस के रूप में लगभग 1-2 महीने तक पिएं। जूस के अलावा पत्तों को चबाकर वे पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि इसके पत्तों का सेवन नियमित रूप से करता है तो वो कई सारी परेशानियों से बच सकता है। आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है, यानी कि आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। जब भी आप पत्थर चट्टे का सेवन कर रहे हैं उस दौरान आपको तंबाकू, चूना, सुपारी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। एक गमले में पत्थर चट्टा का पौधा लगा लें। इसकी डाली या पत्ता ही लग जाता है और कुछ ही दिनों में पौधा बन जाता है। प्रति सप्ताह कम से कम एक पत्ते का सेवन करते रहें या सब्जी में 1-2 पत्ते आप डालकर खाएं। जिनको बार बार पथरी होती है वे हर दूसरे दिन पत्थर चट्टा का आधा पत्ता सेवन करें, लेकिन परहेज के रूप में टमाटर के बीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। हम तो कहते हैं कि आप टमाटर ही बिल्कुल ना खाएं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।